दोस्तों, व्रत स्पेशल में हमारी आज की रेसिपी का नाम है फ्रूट्स एंड नट्स कस्टर्ड। इनको मैंने केसर इलायची फ्लेवर में बनाया है और बिना कस्टर्ड पाउडर के बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इन कस्टर्ड को हम व्रत में खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बिना कस्टर्ड पाउडर के इन कस्टर्ड को कैसे बनाया जा सकता है। कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैन में दूध लेंगे और इन दूध को हम अच्छे से बॉयल होने देंगे। दूध यहाँ पर अब बॉयल हो रहे हैं, तो अब हम इसमें, ये हमने शक्कर लिया है, ये 5 टेबल स्पून शक्कर है, इन शक्कर को हम इसमें डालकर अच्छे से पका लेंगे। अब हमने यहाँ पर ये साबूदाना लिया है, इन साबूदाना को हम पीस कर पाउडर बना लेंगे और इन पाउडर को हम बारीक छन्नी से छान लेंगे, क्योंकि हमें एकदम स्मूथ पाउडर चाहिए, जैसे कि कस्टर्ड पाउडर होता है ना, ठीक उसी तरह। साबूदाने का पाउडर यहाँ पर अब तैयार हो चुका है, इसे हमने छन्नी में छान लिया है, ये बिल्कुल कस्टर्ड पाउडर की तरह हो गए हैं, एकदम स्मूथ। तो अब हमने एक बोल में दूध लिया है, इन दूध में हम 2 टेबल स्पून इन पाउडर को डालकर अच्छे से घोल लेंगे। साबूदाने का पाउडर यहाँ पर अच्छे से दूध में घुल गया है। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इन पाउडर को दूध में घोलिए तो दूध आपका हल्का गर्म होना चाहिए। हमने यहाँ पर यह हल्का गर्म दूध लिया है और इन दूध में हम इन केसर के धागों को अच्छे से भिगा देंगे। ये दूध अब अच्छे से पक गए हैं, तो अब हम इसमें हमने जो साबूदाने का घोल तैयार किया था, उस घोल को हम 2-2 चम्मच करके इन दूध में डालेंगे और चलाते जाएंगे। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि एक बार में हम पूरा घोल इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चलाते जाएंगे। ये अब थोड़े थिक होने लगे हैं, तो अब हम इसमें केसर के फ्लेवर के लिए हमने जो केसर के धागों को दूध में भिगाया था उन्हें हम इसमें डाल देंगे। और इलायची के लिए हम यहाँ पर इलायची पाउडर डाल रहे हैं, इन दोनों को हम इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केसर इलायची फ्लेवर का कस्टर्ड यहाँ पर अब तैयार हो चुका है। अब ये बिल्कुल पक चुके हैं, तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इन्हें हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर कुछ फलों को कट कर लिया है, ये देखिए, ये अनार, यहाँ हमने सेब को छीलकर कट कर लिया है, पपीता, यहाँ हमने केला लिया हुआ है और ये अंगूर। आप इनके अलावा अपनी पसंद के और भी फल ले सकते हैं। कई बार लोगों को फल नहीं अच्छे लगते हैं, तो वो लोग ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर अखरोट लिया है, ये काजू, यहाँ हमने टूटी फ्रूटी लिया है, बादाम, पिस्ता और किशमिश। आप अपनी पसंद के और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पर ये 2 बोल लिया हुआ है और इसमें हम 1-1 स्पून यहाँ पर जो हमने कस्टर्ड बनाया था उनको हम इसमें डाल देंगे। फिर हम इसमें एक में पहले हम फल का बनाएंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर पहले पपीता डाल रहे हैं, फिर सेब, अनार, अंगूर और केला। वहीं दूसरे बोल में हम पहले बादाम डालेंगे, फिर हम काजू, टूटी फ्रूटी, अखरोट, किशमिश और पिस्ता डाल रहे हैं। इन सबको हम बोल में डालकर अच्छे से पहले फैला लेंगे और फिर हम बाकी बोल को कस्टर्ड से फिल कर देंगे। अब हम इनकी गार्निशिंग करेंगे, तो फ्रूट्स वाले की गार्निशिंग हम यहाँ पर अनार, अंगूर और पपीता से करेंगे। यहाँ पर हम कुछ रोज़ पेटल्स का भी यूज़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम ड्राई फ्रूट्स वाले की गार्निशिंग करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर थोड़े से पिस्ता की कतरन, फिर टूटी फ्रूटी, काजू, बादाम और किशमिश, इन सब से हम इनकी गार्निशिंग कर देंगे। जिन लोगों को फल नहीं पसंद है, वो लोग ड्राई फ्रूट्स के साथ भी इन कस्टर्ड का मज़ा ले सकते हैं। तो अब आप इस बार नवरात्रों में इन कस्टर्ड को ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये कस्टर्ड की रेसिपी कैसी लगी। हम बात
बात करते हैं टिप्स की। दोस्तों चाय तो हम सभी के घरों में बनती है, पर क्या आपको पता है ये चाय की पत्तियाँ हमारे पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इन चाय पत्तियों को धुलकर पौधों में डालते हैं तो वो पौधों में खाद का काम करती हैं। आप इन चाय पत्तियों को पौधों में जरूर डालिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी टिप्स के साथ। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।